नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ब्रेकिंग ऑफ ए व्हीकल के अंदर। जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं सभी व्हील्स पर, अगर हमारे पास फोर व्हील ड्राइव सिस्टम है यानी कि चारों व्हील पर हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे एक साथ। अब ये एक कॉमन वे होता है ब्रेक अप्लाई करने का, क्योंकि अगर फोर व्हील ड्राइव जो भी सिस्टम है अगर हम उस पर एक साथ चारों व्हील पर ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो गाड़ी जल्दी से जल्दी रेस्ट पर आ जाती है। इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था कि ब्रेक को अप्लाई करें रियर व्हील पर तो कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ कहाँ पर एक्ट करेंगी। उसके बाद पढ़ा था जब ब्रेक को हम अप्लाई करते थे फ्रंट व्हील्स पर तो फोर्सेस हमने पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे सभी व्हील्स पर अगर हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो फोर्सेज कहाँ कहाँ पर एक्ट करेंगी वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल है और हॉरिजॉन्टल से ये जो रोड है ये अल्फ एंगल पर है और इस रोड के ऊपर कोई गाड़ी मूव कर रही है और यहाँ पर हम उसकी पोजीशन ले लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए। हम मान लेते हैं कि जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट पर मान लेते हैं जी पर और ये आगे की तरफ मूव कर रही है यानी कि एम ए जो है फोर्स जो लगेगी इक्वल टू एम ए ये आगे की तरफ। अब ये इंक्लिनेशन पर चल रही है तो इक्विलिब्रियम हम देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम ले लें तो कौन कौन सी फोर्स जो है एक्ट करेंगी। तो यहाँ पर अगर हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो फ्रंट व्हील पर हम मान लेते हैं एफ ए ब्रेकिंग फोर्स है जो हमने अप्लाई की है और ये एफ बी है रियर व्हील पर। इसी तरह से जो ग्राउंड है रियर व्हील को और फ्रंट व्हील को नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड करेगा तो वो कौन कौन सी है इसको हम मान लेते हैं कि ये आर बी है और ये आर ए है जो ग्राउंड इन व्हील को प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर हम ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक का ये मान लेते हैं L है यानी कि रियर व्हील के सेंटर से फ्रंट व्हील के सेंटर तक का। और यहाँ ऊपर अगर हम देखें रियर व्हील से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक इसको मान लेते हैं स्मॉल x, ये स्मॉल x हमने मान लिया। और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने मानी है यानी कि जो टोटल मास है यहाँ पर एक्ट करता है जो वेट है तो वेट जो एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी नीचे की तरफ होगी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम जी जो वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब इसके दो कंपोनेंट हमारे पास बनेंगे एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पहले जब रियर व्हील पर ब्रेक अप्लाई की थी और फ्रंट व्हील पर ब्रेक अप्लाई की थी वहां पर हमने इसको पढ़ा था। तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये अल्फा है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा अल्फा के साथ वाला ये एम जी कोस अल्फा होगा और ये कौन सा होगा जो इसके बिल्कुल सामने है ये एम जी साइन अल्फा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे और यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस ग्राउंड तक यहां तक ये जो दूरी होगी ये होगी हम मान लेते हैं स्मॉल एच। तो इस तरह से हम सभी फोर्सेस को मान लेंगे और सारी चीजें जो है डिस्टेंसेस हम देख लेंगे। अब चलिए हम इसके अंदर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। अब यहां पर अल्फा क्या था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू द हॉरिजॉन्टल। अब इसको ध्यान से समझिए ये था हमारा अल्फा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। आर ए और आर बी होगी टोटल नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द फ्रंट व्हील और रियर व्हील के साथ। आर ए आर बी कौन सी है ये वाली आर बी और आर ए ये जो हमने पढ़ी। उसके बाद यहां पर देखिए एम जो है मास ऑफ द व्हीकल है इन केजी, एच हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ए रिटार्डेशन होगी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। तो चलिए अब हम जो है फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। फोर्सेस को जब हम हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करें तो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो यहां पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं। अब देखिए एफ बी पीछे की तरफ है, एफ ए भी पीछे की तरफ है, एम ए इस तरफ है और एम जी साइन अल्फा भी पीछे की तरफ है यानी कि एफ बी एफ ए और एम जी साइन अल्फा एक तरफ है जो बैकवर्ड जा रही है, एम ए जो है फॉरवर्ड जा रही है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पर जो जो फोर्सेज बैकवर्ड है और फॉरवर्ड है तो रिजोल्व करते हैं एफ ए प्लस एफ बी प्लस एम जी साइन अल्फा, इन तीनों को तो हमें प्लस करना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन में है, इक्वल टू एम ए के होगा अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ जो है हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इन तीनों के सम के बराबर यानी कि ये है हमारे पास। इसी तरह से अगर हम जो है वर्टिकली जो फोर्सेज है उनको देख लें, जो वर्टिकली कौन सी है आर बी आर ए ये वाली जो फोर्सेज है और यहाँ पर ये क्या है mg sin अल्फा, तो rb और ra एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ mg sin अल्फा नीचे की तरफ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ra और जो rb है दोनों प्लस हो जाएंगे
तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो आर ए प्लस आर बी है ये दोनों प्लस हो गए और इक्वल टू किसके आएगा ये एम जी कोस अल्फा के यही आएगा। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हमें पता है जो हमारा एफ होता है वो किसके बराबर होता है म्यू इंटू आर के बराबर यही होता है। तो एफ ए की जगह आप म्यू आर ए पुट कर सकते हैं, एफ बी की जगह आप म्यू आर बी पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमें अब पुट करनी है और यहाँ से आर बी की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। आर बी की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, ये आ जाएगा एम जी कोस अल्फा और ये आर ए उस तरफ चला जाएगा माइनस आर ए यही हो जाएगा। तो आर बी की वैल्यू को भी हम पुट कर सकते हैं। तो सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए म्यू एफ ए की जगह हमने आर ए पुट कर दिया प्लस एफ बी की जगह हमने म्यू आर बी पुट कर दिया प्लस ये क्या है हमारे पास एम जी साइन अल्फा है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए यही है हमारे पास। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम ले लेते हैं मूवमेंट्स, तो ये भी आप कर सकते हैं, अभी करने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख सकते हैं यानी कि वैल्यू इनकी। तो मूवमेंट ले लेते हैं अबाउट पॉइंट जी यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मूवमेंट हमें अब लेना है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है हमारी, ये पॉइंट है, अब इसके अबाउट मूवमेंट हमको निकालना है। तो मूवमेंट निकालना है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम देखेंगे कौन सी फोर्स जो है और कौन सा जो डिस्टेंस है इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें जो एफ बी है, ये एफ बी है हमारे पास और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एच यानी कि ये जो फोर्स हो गई और ये डिस्टेंस हो गया ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसा ही है। इसी तरह से जो एफ ए है और ये डिस्टेंस है ये भी इस तरफ है एफ ए तो ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा यानी कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं इस पॉइंट को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। इसी तरह से आर बी की बात कर लें, आर बी के साथ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां तक का, आर बी इंटू एक्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो आर बी इंटू एक्स भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन जो आर ए था ये जो आर ए फोर्स है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी, सिर्फ यही फोर्स है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा, टोटल एल है और यहां से एक्स है तो आर ए के लिए ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आप समझे, तो ये सारी फोर्सेस जो तीन फोर्सेस हमने डिस्कस की वो क्लॉकवाइज घुमाएंगी, सिर्फ आर ए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो चलिए अब इन मोमेंट्स को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, जो एफ ए था क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा था इनटू एच प्लस एफ बी भी जो उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा था इनटू एच प्लस उसके बाद जो हमारे पास आर बी इनटू एक्स था वो भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा था और एंटी क्लॉकवाइज बस इसको आर ए एल माइनस एक्स यानी कि ये जो फोर्स थी वो ही इसको घुमाने की कोशिश कर रही थी इस डिस्टेंस के साथ। तो ये हमने यहाँ पर लिख ली, इसको इक्वल टू में लिख दिया जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा था और जो क्लॉकवाइज यहाँ पर लिख दिया। अब एफ ए की वैल्यू हमें पता है म्यू आर ए है तो यहाँ से आप म्यू आर ए लिख सकते हैं प्लस ये एफ बी की वैल्यू क्या है, म्यू आर बी है यही है, यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं तो एच हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से म्यू भी कॉमन आएगा भी और प्लस आर बी की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, एम जी कोस अल्फा माइनस आर ए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम जी कोस अल्फा माइनस आर ए तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इसके साथ ये एक्स है इक्वल टू यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आर ए इंटू एल माइनस आर ए इंटू एक्स ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, यहाँ से म्यू को भी कॉमन ले लेते हैं, ये म्यू हमने कॉमन ले लिया और एच तो था ही तो म्यू एच कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया आर ए प्लस आर बी ये हमारे पास आ गया प्लस अब यहाँ एम जी कोस अल्फा है एम जी कोस अल्फा और माइनस आर ए है इंटू एक्स ले लेते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि यहाँ पर भी हम एक्स ले लेते हैं, एक्स को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ तो यहाँ माइनस है ये इक्वल टू यहाँ पर ये आर ए एल आ गया आर ए एक्स आ गया। अब देखिए ये माइनस का है यहाँ पर भी ये माइनस का है तो दोनों ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, बस आर ए इंटू एल हमारे पास बच गया और यहाँ पर देखिए आर ए प्लस आर बी की जगह आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं एम जी कोस अल्फा इक्वेशन सेकंड के अंदर तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू इंटू एच और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा
mg cos alpha, तो mg cos alpha आपने put कर दिया, plus यहाँ पर क्या है हमारे पास mg cos alpha है ही, mg cos alpha ये हमारे पास था ही, लेकिन इसके साथ into में क्या था x था, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास ये बचा ra into l बचा, यही बचा। अब यहाँ से देखिए mg cos alpha है तो आप इसको common निकाल सकते हैं, तो आपने निकाल लिया mg cos alpha, यहाँ पर common ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बचा mu into h plus x, ये आ गया क्योंकि mg cos alpha आपने common ले लिया, और इस तरफ ये क्या है हमारे पास ra into l है, यही है हमारे पास। अब अगर हम ra की वैल्यू को निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, l जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ra की वैल्यू अगर हम इस l को यहां से हटाकर अब इसके नीचे लिख दें तो ra जो l था यहां पर इसके डिवाइड में चला जाएगा, इस पूरी टर्म के डिवाइड में, तो ये ra की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास ra की वैल्यू। इसी तरह से rb की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब rb की वैल्यू को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, rb की वैल्यू, rb क्या है हमारे पास, rb की वैल्यू ये है mg cos alpha minus ra, तो यहां पर हम लिख देते हैं जो mg cos alpha है cos alpha minus ra है, तो ra की वैल्यू को हम ये पुट कर देते हैं, ra की वैल्यू जो आई है हमारे पास mg cos alpha और mu h plus x, यही आई है ra की वैल्यू, ये हमने निकाली, और डिवाइड में ये l है। अब यहां से भी देखिए mg cos alpha हमारा कॉमन आ जाता है, तो हम इसको निकाल लेते हैं कॉमन mg cos alpha, तो ब्रैकेट में ये क्या आ जाएगा 1, ये 1 रह गया, माइनस ये क्या रह गया हमारे पास म्यू एच प्लस एक्स, यही रह गया, और डिवाइड में आ गया हमारे पास l, ये आ गया। अब यहां पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, mg cos alpha बाहर है ही, यहां पर ये l आ जाएगा, तो यहां फिर आ गया माइनस म्यू एच और माइनस एक्स आ गया, यही हमारे पास आएगा, और यहां डिवाइड में l रहेगा क्योंकि एलसीएम आपने ले लिया है, तो इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई, अब ये आ गई हमारे पास rb की वैल्यू, तो ये rb की वैल्यू आ गई और ये ra की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप a की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, a की वैल्यू यानी कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसके थ्रू, तो यहां पर हमने ये बनाई थी इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन से ये बनाई थी जो वैल्यू पुट की थी, तो यहां से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो यहां पर a की वैल्यू को हम निकालेंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये जो m है इस तरफ चला जाएगा, इन सबके डिवाइड में चला जाएगा, तो जब ये इनके डिवाइड में जाएगा तो यहां पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा म्यू आर ए, ये है म्यू आर ए प्लस म्यू आर बी, तो म्यू आर ए प्लस म्यू आर बी और प्लस एम जी साइन एल्फा प्लस एम जी साइन एल्फा, यही है हमारे पास, और डिवाइड में इनके m आ जाएगा यानी कि टोटल टर्म के डिवाइड में ये m चला जाएगा, ये m इस तरफ चला गया। अब देखिए म्यू आर ए प्लस आर बी, जो यहां से जैसे हमने यहां पर म्यू को कॉमन लिया था तो आर ए प्लस आर बी यहां पर आ जाता है, अगर आप यहां से म्यू को कॉमन लेते हैं तो हम यहां पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास आर ए प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास आर बी, और यहां पर प्लस अलग अलग कर लेते हैं और इन टर्म को, जैसे m था हमारा तो इसके नीचे हम m लिख लेते हैं और प्लस इस टर्म के नीचे भी mg sin alpha, यहां पर भी हम m को लिख लेते हैं, तो mg sin alpha डिवाइड में m आ गया, तो यहां तो m से m कैंसिल आउट हो गया, यहां हम ra plus rb की वैल्यू को पुट कर देंगे mg cos alpha, तो यहां पर पुट करके हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, हमने mg cos alpha इसकी जगह पुट कर दिया, अब m से m यहां पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास अगर हम a की वैल्यू को देखें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, यहां से हमने g कॉमन ले लिया तो म्यू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो इस तरह से हम a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ra rb और a की वैल्यू को निकाला। अब यहां पर देखिए आप कुछ केसेस ले सकते हैं, अब इन तीनों वैल्यूज को आपको याद रखना है, कुछ केसेस आप क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप अल्फा को जीरो ले लें, अल्फा को जीरो मान लें, तो यानी कि बिल्कुल प्लेन पर आप मान लें कि गाड़ी जो है चल रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल था अल्फा मानना था ना आपने इससे इस रोड का एंगल, तो आप अल्फा को जीरो मान लें कि प्लेन पर जो है सीधी जो है गाड़ी चल रही है, अगर ये मान लें तो अल्फा को जीरो मानेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कोस जीरो वन हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी इंटू म्यू एच प्लस एक्स डिवाइड में एल, यानी कि कोस अल्फा जो है हमारा बस वन हो जाएगा, बाकी की वैल्यू सेम रहेगी, आरबी के अंदर भी ये भी हमारा वन हो जाएगा, सिर्फ mg और ये ब्रैकेट में जो चीज है जो भी टर्म है ये रह जाएगी, a की वैल्यू के लिए यहाँ पर म्यू जी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि साइन अल्फा तो है हमारे पास जीरो हो जाएगा,
क्योंकि अल्फा हमने जीरो लिया है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, और डाउन द प्लेन के लिए भी निकाल सकते हैं। अगर हम माने कि गाड़ी अप की जगह डाउन जा रही है, अप की जगह डाउन जा रही है, तो यहाँ एम ए जो है हमारा इस तरफ हो जाएगा। अब एम ए इस तरफ होगा तो जो एफ बी है वो इस तरफ हो जाएगी, एफ ए जो है वो भी इस तरफ हो जाएगी। तो एफ ए की डायरेक्शन ये हो जाएगी, एफ बी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास आएगा क्या, जो एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा हो जाएगा और इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी हो जाएगा। ये एफ बी है, सॉरी ये एफ बी है, तो एफ ए प्लस एफ बी हो जाएगा। तो बस ये हमारी टर्म यहां पर चेंज हो गई, उसके साथ उसके लिए हम ए की वैल्यू को दोबारा निकाल लेंगे। तो इस तरह से डाउन द प्लेन के लिए भी निकाल सकते हैं, फोर्सेस हैं उनको बैलेंस करना आना चाहिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।